मुंबई के बांद्रा में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात 9:15 से लेकर रात 9:20 के बीच बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले। इसी पटाखे की ऊंची आवाज के बीच उन पर तीन लोगों ने गोली दाग दी। तीनों बदमाशों ने अपने चेहरे रुमाल से ढके थे। वहीं दशहरे की शाम तीनों आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ बाबा सिद्दीकी का इंतजार करते हुए पटाखा फोड़ रहे थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी कार्यालय से बाहर निकले, आरोपियों ने सही मौका देखकर उन पर 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं तीसरा फरार है। एक शख्स यूपी का है तो दूसरा हरियाणा से ताल्लुक रखता है। सूत्रों के अनुसार गोलीबारी में 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। बताते चलें कि 15 दिन पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके मद्देनजर उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। इस हत्या से जुड़ी हर एंगल की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। शनिवार देर रात सलमान खान और शिल्पा शेट्टी, जहीर इकबाल समेत बॉलीवुड के कई कलाकार बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने लीलावती अस्पताल पहुँचे थे।